आप सभी को जय मसीह की। दबाबी पोषण में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है शमूएल की पुस्तक दूसरा अध्याय वचन 1 से 11। तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहुआ के कारण मगन है, मेरा सींग यहुआ के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। यहुआ के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। फूल कर अहंकार की और बातें मत करो, और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों का तौलने वाला है। शूरवीरों के धनुष टूट गए और ठोकर खाने वालों की कटी में बल का फेटा कसा गया। जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी, जो भूखे थे वे फिर ऐसे न रहे, वरन जो बांझ थी उसके साथ हुए, और अनेक बालकों की माता घुलती जाती है। यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता और उससे निकालता भी है। यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वही नीचा करता और ऊंचा भी करता है। वह कंगाल को धूली में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बैठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए, क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है। वह अपने भक्तों के पांवों को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल न होगा। जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे, वह उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा, क्योंकि यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा और अपने अभिषिक्त के सींग को ऊंचा करेगा। तब एल्काना रामा को अपने घर चला गया, और वह बालक एली याजक के सामने यहोवा की सेवा टहल करने लगा।